पश्चिम पंजाब के पास लोहरिया नाम का एक गांव था। उस गांव की एक खासियत थी कि वहां की मिट्टी उपजाऊ बहुत थी। उसी लोहरिया गांव में भानु नाम का एक लकड़हारा रहता था। किधर चल दिए भानु सुबह सुबह? कहीं नहीं पाजी, मुल्ला की राह मस्जिद तक, जंगल जा रहा लकड़ियां काटने के लिए। देखना भानु, सुना है खतरनाक जानवर भाग कर आए हैं जंगल की तरफ, बचकर जाना। ठीक है काका, बिल्कुल ध्यान रखूंगा। और फिर भानु जंगल की तरफ चला गया। जंगल में सूखी लकड़ियों की भरमार थी। भानु लकड़ियां काट रहा था, तभी उसे एक शोर सुनाई दिया। लग रहा है पाजी ठीक बोल रहे थे, जरूर कोई जंगली जानवर यहाँ आया है। चलकर दूर से देखता हूँ कि कौन सा जानवर है। शोर की तरफ जाकर भानु एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सुरक्षित देखने लगा कि जानवर कौन सा है। लगता है जानवर सो रहा है, पर ये कैसा जानवर है जो गुर्राटे लेता हो? चलकर देखता हूँ। पेड़ से थोड़ा नजदीक जाने पर भानु की आंखें दंग रह गई। वो एक नीले रंग का इंसान था। कौन हो तुम? कौन हो तुम बोलो? मैं पिंकू हूँ, दूसरे ग्रह से आया हूँ। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। यहाँ पर कैसे आ गए? मैं अंतरिक्ष में खेल रहा था, खेलते हुए वहीं सो गया। एक अंतरिक्ष यान में चिपक कर यहाँ पृथ्वी में आ गया। क्या खाते हो तुम? मैं कुछ भी खा लूंगा, अंतरिक्ष में कोई इंसान और जानवर नहीं है ना, और ना ही कोई पेड़ पौधा है। पृथ्वी में आकर मुझे भूख समझ आ रही है। ठीक है, यहीं छुप कर रहना। भानु लकड़ी लेकर गांव में जाता है और पिंकू के लिए मक्की की रोटी और सरसों का साग बनाकर लाता है। ये लो पिंकू, इसे खाओ, ये हमारे पंजाब का खास व्यंजन है। पिंकू खाने लगता है और उसे ये व्यंजन काफी अच्छा लगता है। ये मुझे हमेशा खाना है। कैसे बनता है ये? मक्के को पीसकर रोटी बनती है, सरसों को उगाकर साग बनाते हैं। मक्का और सरसों चाहिए होता है इसको खाने के लिए। मुझे चाहिए, ये कैसे मिलेगा? जमीन में उगाना पड़ता है, सरसों और मक्के के बीज बोने पड़ते हैं। तुम बीज लेकर आओ, मैं लगाऊंगा। ठीक है, लेकर आता हूँ। भानु मक्के और सरसों के बीज लेने फिर से वापस गांव चले जाता है। भानु जैसे ही गांव से वापस आता है तो वो देखता है कि पिंकू एक बढ़िया सा खेत तैयार कर चुका रहा है। इतनी जल्दी ये खेत कैसे बन गया? मुझ में अंतरिक्ष के जादू मौजूद है, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। अरे वाह, तुम तो जादुई इंसान हो। ये लो मक्के और सरसों के बीज। पिंकू ने वो बीज लेकर खेतों में छींट दिया और अपने हाथों से कुछ जादुई इशारा किया। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे गांव की मिट्टी उपजाऊ है ये तो जानता हूँ, पर इतनी जल्दी फसल पैदा हो जाएगी ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था। ये सब अंतरिक्ष के जादू का कमाल है, हो गई फसल तैयार, अब मुझे वो व्यंजन बनाना सिखाओ। भानु ने पिंकू के जादू की मदद से ही जल्दी जल्दी मक्के की रोटी और सरसों का साग तैयार कर लिया। अब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे। क्या तुम इसे इतनी ही जल्दी से हमेशा बना लोगे? हाँ बिल्कुल, मैं अब ये व्यंजन सीधे जादू से भी पैदा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसे बनाते हुए शुरू से देख लिया है। तो क्या तुम जादू से ये मेरे लिए खूब सारे बना सकते हो? तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। भानु नजदीक शहर में एक बड़े से मक्के की रोटी और सरसों का साग बेचने वाली कंपनी से बात करता है बिक्री के लिए और फिर वापस पिंकू के पास आता है। पिंकू कहाँ हो दोस्त? ऊपर देखो पेड़ पर, यहीं पर सोया था मैं। इन कागज के बर्तनों में 100 अलग अलग मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाकर बंद कर दो। पहले एक बर्तन भर के दिखाओ तुम, मैं तभी इसे सीख और याद करूंगा। ठीक है, तुम अपने जादू से मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाओ, मैं उसे एक बार तुम्हें बर्तन में बंद करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये लो।
भानु ने एक कागज के बर्तन में मक्के की रोटी को सरसों के साग के साथ बंद किया। उस पर सुंदर तरीके से लिखा, जादुई खाना। बस इतना ही करना है। हाँ, बस इतना ही करना है। जल्दी से 99 और तैयार कर दो। पिंकू अपने अंतरिक्ष के जादू से 100 अलग अलग कागज के बर्तन में मक्के की रोटी और सरसों का साग बंद करके बर्तन पर जादुई खाना नाम लिखकर तैयार कर देता है। अब इस सारे बर्तन को अपने जादू से इस कंपनी के गोदाम में मेरे साथ पहुंचा दो। पिंकू ने जादू किया और सारे सामान के साथ चंद ही घंटों में भानु कंपनी पहुंच गया। आपके कहे अनुसार ये 100 बर्तन मक्के की रोटी और सरसों के साग तैयार करवा के आपके गोदाम में रखवा दिया है। अरे वाह, इतनी जल्दी तैयार भी कर लिए पूरा सामान। ये लो तुम्हारे कमाई के पैसे, साथ में अतिरिक्त भेंट भी इतनी जल्दी काम करने के लिए। शुक्रिया साहब। जादुई पिंकू और भानु की अच्छी दोस्ती हो गई थी। भानु सुंदर सुंदर पृथ्वी के हर आनंद से पिंकू को परिचय करवाता रहा। उसके लिए नए नए कपड़े खरीदने से लेकर नए नए उपहार देता रहा। पिंकू भी भानु की पूरी मदद करता रहा उसे एक बड़ा आदमी बनाने के लिए। वक्त बीत रहा था। जादुई मक्के की रोटी और सरसों के साग का व्यवसाय खूब फल रहा था। भानु अब बड़ा कारोबारी बन गया था। उसके पास अब इतने पैसे आ गए थे कि इस बने बनाए कारोबार को पिंकू के बगैर भी जारी रख सके। एक दिन पिंकू को भानु ने रोते हुए सुना। क्या हुआ पिंकू, तुम क्यों रो रहे हो? मेरी उम्र हो चुकी है, मैं कल शाम के तीसरे पहर में समाप्त हो जाऊंगा। मैं समझ नहीं पाया तुम्हारी बात। हम अंतरिक्ष वासियों को उम्र सीमित समय के लिए ही मिलती है, वो समय अब खत्म हो जाएगा कल तीसरे पहर में। पिंकू की बात सुनकर भानु भी रोने लग गया। दोनों एक दूसरे से जुदा होने की बात पर निराश बैठे थे चुपचाप। पिंकू, जब तुम नहीं रहोगे तो भी मैं तुम्हें अपने साथ जिंदा रखूंगा। वो कैसे दोस्त, तुम्हें इसी जमीन में मिलाकर उस पर एक सुंदर फूलों की बगिया अपने हाथों से बनाऊंगा। तुम्हारे नाम पर उस बगिये का नाम रखूंगा। तुम्हारे नाम के साथ तुम भी उस सुंदर फूलों की खुशबू के साथ इस हवा और मिट्टी में जिंदा रहोगे। मैं तुम्हें महसूस कर सकूंगा हमेशा। भानु की बातें सुनकर पिंकू मुस्कुराने लगा और अपने खत्म हो जाने का अफसोस भूल गया। सोलंकीपुर गांव में महेश अपनी पत्नी शीतल और अपनी इकलौती बेटी आलिया के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। महेश के पिता के मरने के बाद ही उसके बड़े भाई और भाभी ने उन्हें अपनी जायदाद से अलग कर दिया था, पर फिर भी महेश ने अपने भाई भाभी को कुछ न बोलते हुए उस छोटी सी झोपड़ी में रहने आ गया था। उनकी बेटी आलिया अब बड़ी हो चुकी थी। आलिया के लिए उसके पिता महेश ने अपनी बेटी के योग्य वर ढूंढ लिया था। शीतल, एक खुशखबरी है, हमारी बेटी आलिया के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी अच्छे घराने में हो जाए, बस मैं तो फिर गंगा नहा लूं। पापा, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरा बचपन से ही इंजीनियर बनने का शौक था और मैं अपने सपने को पूरा करना चाहती हूँ। पर बिटिया आलिया, लड़की वाले ने खुद अपने से इस शादी के लिए बोला है। लड़की वाले तुम्हें पसंद करते हैं और फिर न जाने दूसरे रिश्ता इससे अच्छा हो या ना हो, क्या पता। और बात रही तुम्हारी इंजीनियर बनने की, हमारे पास इतने पैसे ही कहां कि तुम्हें इंजीनियर की पढ़ाई करवा सके। हाँ बेटी, गरीबों की जिंदगी में बहुत सारी बाधाएं आती हैं और साथ ही साथ कभी कभार हमें अपनी इच्छाओं और अपने सपनों को भी बांधकर नदी में फेंक देना पड़ता है। आलिया अपने माता पिता की बात सुनकर दुखी हो गई और दबे मन से शादी के लिए हाँ करके अपने कमरे में भागती हुई चली गई। कुछ दिन गुजर गए, फिर एक दिन जब महेश बाजार से अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक साधु बेहोश पड़े मिला। उसने साधु को देखते ही सामने के तालाब से थोड़ी पानी लाकर उनके मुंह पर छिड़कने लगा और जैसे ही उनको होश आया उसने थोड़ा सा पानी उन्हें पिलाकर
अपनी थैली में से कुछ फल निकालकर उन्हें खिलाने लगा। साधु महेश के इस वर्ताव को देख बहुत प्रसन्न हुए। महेश, तुम्हारी मेरी प्रति अटूट निष्ठा भाव को देखकर मैं बहुत मुग्ध हुआ हूँ। तुम्हारे जैसे अच्छा इंसान मैंने अपने जीवन काल में बहुत कम देखे हैं। सदा खुश रहो बेटा, आप सही सलामत है, यही मेरे लिए बहुत है। बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद के स्वरूप कुछ देना चाहता हूँ। ये लो जादुई ब्लू बैंगन। इसे कोई साधारण ब्लू बैंगन समझने की गलती मत करना, यही है जो तुम्हारी आगे की किस्मत बदल सकती है। महेश साधु को प्रणाम करके उस जादुई ब्लू बैंगन को लेकर पहुंचता है। शीतल ब्लू बैंगन को देखकर हैरान हो जाती है और उसे पूछती है, ब्लू बैंगन, ये ब्लू बैंगन कहाँ से लाई हो आप? महेश शीतल को साधु के बारे में सब कुछ बताता है, जिससे शीतल भी खुश होकर साधु को मन ही मन धन्यवाद कहती है। जैसे ही शीतल ने जादुई ब्लू बैंगन उठाया और उसे बीच से दो हिस्सा कर दिया, उस जादुई ब्लू बैंगन के अंदर से सोने के सिक्के झनझनाकर जमीन पर बिखर गए। सोने के सिक्कों को देख शीतल और महेश दोनों हैरान रह जाते हैं। ये क्या, इतनी सारी सोने के सिक्के? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि सोने के सिक्के इस ब्लू बैंगन के अंदर कैसे आ गया। ये जरूर साधु की ही महिमा है। जय हो साधु बाबा की, जय हो साधु बाबा की, जय हो साधु बाबा की। फिर महेश और शीतल दोनों आलिया के पास जाते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं, और महेश आलिया को आगे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की अनुमति दे देता है। आलिया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर दूसरे ही दिन महेश लड़के वालों के घर में जाकर शादी के लिए मना कर देते हैं, और शादी के लिए मना करते ही गांव में कानफूसी शुरू हो गई। गांव के लोगों को अपने काम से ज्यादा आलिया की शादी क्यों टूट गई, इस बात को जानने में रुचि थी। और इधर दूसरी ही दिन महेश, शीतल और आलिया तीनों शहर के लिए निकल पड़ते हैं। शहर में जाकर महेश अपनी बेटी आलिया को एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाता है और फिर वही के पास में एक गर्ल्स हॉस्टल में जाता है। आलिया, ये गर्ल्स हॉस्टल है, तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो। यहाँ पर रहकर तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से करना, और हाँ, किसी भी चीज की अगर जरूरत हो तो हमें बोलना ना भूलना। जरूर पापा, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। बेटी आलिया, मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है, जो भी किया सब कुछ साधु बाबा की कृपा है। उन्होंने अपने चमत्कार से हमारे दुखों के दिन को सुख में बदल दिए। फिर दोनों माँ बेटी अपने गले मिलते हैं, और फिर आलिया को गर्ल्स हॉस्टल में उसका सामान देकर महेश और शीतल रामपुर गांव लौट आते हैं। वो दोनों घर लौटे तो उन्होंने देखा उनकी जेठानी और बड़े भाई उनके घर के बाहर बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे। अरे शीतल, तुम लोग कहाँ गए थे? और मैंने सुना कि आलिया की शादी भी टूट गई। लड़की वालों ने शादी से मना क्यों कर दिया? नहीं दीदी, लड़की वालों ने नहीं मना किया, हमने मना किया। हम चाहते थे कि आलिया अपने आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करे, उसके बाद ही उसकी शादी करवाए। इसलिए आलिया के पापा सुबह सुबह लड़की वालों के घर में जाकर मना कर दिया। पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई में तो बहुत खर्चा होगा, इतने सारे पैसे तुम कहां से भरोगे? भगवान की कृपा से जब अब तक सब कुछ ठीक रहा, मुझे यकीन है कि आगे भी सब कुछ ठीक ही होगा। महेश की ये बात सुन उसके बड़े भाई और भाभी को कुछ समझ नहीं आया, पर अचानक महेश की चाल ढाल बदलते देख उनके मन में शक का बीज उग गया था। फिर एक दिन शीतल की जेठानी ने उनके घर पर नजर रखना शुरू कर दिया, और एक दिन रात को उसकी जेठानी ने खिड़की से छुपकर शीतल के जादुई ब्लू बैंगन काटकर सोना निकालते हुए देख लिया। ये देखते ही चंपा हैरान हो गई, और अगले दिन शीतल के बगीचे से एक जादुई ब्लू बैंगन चोरी करके उनके घर ले जाती है। जैसे ही चंपा ने जादुई ब्लू बैंगन काटा, आधा जादुई ब्लू बैंगन उसकी मुंह पर चिपक गया। वो उस जादुई ब्लू बैंगन को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती रही, पर वो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जेठानी जोर जोर से चिल्लाने लगी। शीतल अपनी जेठानी के चिल्लाने की आवाज सुनकर भागकर उसके घर जाती है।
शीतल उसकी जेठानी के मुंह पर जादुई ब्लू बैंगन चिपका हुआ देख हैरान हो जाती है और फट से भागकर जादुई ब्लू बैंगन को जैसे ही हाथ लगाती है वो जादुई ब्लू बैंगन धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर जाता है। उसकी जेठानी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो रोती हुई कहती है, शीतल मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का सजा मिल गई। मैंने चोरी छुपे तुम्हें एक जादुई ब्लू बैंगन से सोना निकालते हुए देख लिया था और मेरे मन में लालच आ गया। मुझे माफ कर दो शीतल बहन। कोई नहीं दीदी, आप मुझसे बड़ी है, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपको जादुई ब्लू बैंगन चाहिए था तो आप मुझसे कह देते, मैं आपके घर जादुई ब्लू बैंगन लेकर आ जाती। शीतल की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के गले मिल लेते हैं। कुछ सालों बाद आलिया इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अपने घर वापस आ गई। अब उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं रही और कुछ महीनों बाद आलिया ने अपनी मम्मी पापा की सहमति लेकर अपनी पसंद के एक इंजीनियरिंग लड़के से शादी कर ली। भवानीपुर नामक गांव में नवीन राम नाम का एक दुकानदार रहता था। नवीन राम वर्षों से किराने का दुकान चला रहा था और आज तक कभी किसी ग्राहक ने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की थी। नवीन राम का हर सामान बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का रहता था। नवीन राम पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था। सुबह सुबह दुकान की साफ सफाई के बाद हर रोज पूजा किया करता था। हे भगवान, कृपा करना माँ का ऑपरेशन सही से हो जाए। नवीन राम की माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उनकी तबीयत सही नहीं रहती थी। कुछ दिनों में उनका ऑपरेशन होने वाला था। नवीन राम ने बचपन से अपनी माँ को बहुत तकलीफ उठाते देखा था, इसलिए बड़ा होने के बाद नवीन राम ने अपनी माँ को हर प्रकार की खुशी देने की कोशिश की थी। नवीन राम के जैसे ही किराने का दुकान गांव में ढेरों था, इसलिए नवीन राम की दुकान पर बहुत ग्राहक तो नहीं आते थे, लेकिन इतने ग्राहक आ जाते थे और कमाई इतनी हो जाती थी जिससे घर चल जाए। ललिता, मुन्नी और सोनू के स्कूल का फीस का क्या हुआ? क्या होना है, आपने जो पैसे दिए थे मैं स्कूल को देकर आ गई। हाँ, लेकिन मैंने तो थोड़े ज्यादा पैसे दिए थे ना। नहीं नहीं, फीस बढ़ गई है और पता नहीं किस किस बात के पैसे ले रहे हैं, बिल्कुल पैसे नहीं बच पाए। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। नवीन राम की पत्नी हमेशा उसे झूठ बोलती थी और पैसे चुरा कर अपने पास रखती थी और अपने सहेलियों के साथ घूमने जाती थी। सुनो ललिता, जरा देख लेना माँ को किसी बात की कोई जरूरत तो नहीं, अगर होगी तो मुझे बताना। हाँ हाँ, ठीक है। ललिता अपनी सास से बहुत जलती थी। इन्हीं तो केवल अपनी माँ की ही पड़ी रहती है, कभी मेरे लिए तो कुछ सोचते ही नहीं है। ललिता अपनी सास के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, मगर ये बात नवीन राम को पता नहीं चलने देती थी। नवीन राम की माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए ठीक से बोला भी नहीं जाता था। नवीन राम हर रोज अपनी माँ के पास बैठा करता था और उनसे बातें किया करता था, मगर जब भी नवीन राम की पत्नी आती थी वैसे ही नवीन राम की माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती थी, ललिता माँ के लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। ललिता पानी लेकर आती है। ललिता को देखकर नवीन राम की माँ कुछ बोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बोल नहीं पाती है। क्या हुआ माँ, बोलिए क्या कहना चाह रही हैं आप, मैं सुन रहा हूँ। ललिता बहुत डर जाती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। नवीन राम कुछ समझ नहीं पाता है। मैं दुकान जा रहा हूँ, आपको किसी चीज की जरूरत हुई तो आप ललिता को बता देना। नवीन राम दुकान आता है और तभी देखता है कुछ लोग उसके दुकान के बाहर खड़े हैं। वो पास आता है तो देखता है उसके दुकान के मालिक कुछ आदमियों के साथ वहाँ खड़े हैं। जी आप यहाँ, क्या बात है? अच्छा हुआ नवीन राम तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ हाँ बोलिए क्या बात है। मुझे ये बात कहते हुए तो बहुत दुख हो रहा है, मगर मुझे काम है तो ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दरअसल मुझे ये दुकान तोड़ना पड़ेगा, मैं यहाँ कुछ और बनवाने का सोच रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें ये दुकान खाली करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, इसी दुकान के सहारे तो मेरा घर चल रहा है, इसे तोड़ दीजिएगा तो मैं बहुत परेशानी में आ जाऊँगा। हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो, मगर मेरी मजबूरी भी तो समझो, मैं ये वर्षों से सोच रहा हूँ मगर हिम्मत नहीं कर पाया कभी बोलने का, मगर अब मैं रुक नहीं सकता। ये सुन नवीन राम बहुत दुखी हो जाता है। हे भगवान,
ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। इस तरह तो मैं कहीं का नहीं रह पाऊंगा। घर कैसे चलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नवीन राम उस दिन बहुत दुखी रहता है। घर आकर सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। माँ, बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। हमारा दुकान अब टूटने वाला है। आप ही बताओ मैं क्या करूँगा। नवीन राम की माँ नवीन राम के सर पर हाथ रखती है और चुप करवाती है। माँ, कल आपका ऑपरेशन भी है, आप ज्यादा परेशान मत हो, मैं जाता हूँ। अगले दिन नवीन राम माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और ऑपरेशन करवाता है। जो भी पैसा नवीन राम ने बचा कर रखा था वो सब ऑपरेशन में लग जाता है। मगर खुशी की बात ये थी कि ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया था। नवीन राम कुछ दिन बाद अपनी माँ को घर लेकर आता है। इतने दिनों से ये नहीं थे तो सब कुछ सही चल रहा था, अब ये आ गई है तो वापस से मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। नवीन राम ने दुकान टूटने की बात अपनी पत्नी ललिता को भी बता दी थी। आज ही दुकान टूटने वाला है, पता नहीं मैं कैसे देख पाऊंगा, मगर जाना तो पड़ेगा ही। नवीन राम के सामने ही नवीन राम का दुकान तोड़ दिया जाता है। नवीन राम अपनी दुकान को टूटता देख बहुत रोता है। ये दुकान तो टूट गया, अब कौन सा नया काम शुरू करूंगा। नवीन राम का मालिक उसे देखकर कहता है, नवीन राम मैं ये करना तो नहीं चाहता था, मगर तुम तो समझ ही रहे हो मुझे ये क्यों करना पड़ा है। हाँ, ये बात मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं मालिक, मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा है। एक काम करो, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर मेरी जमीन है, वहाँ ढेर सारे नारियल के पेड़ हैं, उन पेड़ों पर बहुत नारियल लगते हैं मगर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, जिसका मन किया वो तोड़ कर ले जाता है, और मेरे पास इतना समय नहीं है कि उसका ख्याल रख सकूं, इसीलिए तुम वहाँ से नारियल तोड़कर ला सकते हो। और हाँ, एक जगह खाली पड़ी है, वहीं छोटा सा दुकान बनाकर नारियल बेचना। ये तो बहुत बढ़िया होगा, इस तरह मुझे कुछ काम मिल जाएगा। नवीन राम नारियल बेचने का दुकान खोल लेता है। हर रोज पेड़ से नारियल तोड़कर लाता था और अच्छे दाम पर बेचता था। जो भी मुनाफा होता था उसमें से अपने मालिक को भी दिया करता था। आज तो मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मगर नारियल तोड़ने तो जाना ही होगा, कुछ बिक्री होगी तो पैसे आएंगे। नवीन राम खराब मौसम में भी नारियल तोड़ने निकल पड़ता है। बहुत मेहनत से वो ढेर सारे नारियल तोड़ता है और दुकान पर लेकर आता है। दुकान पर आते ही नवीन राम देखता है दुकान के बाहर पहले से ही ग्राहकों की भीड़ लगी है। अच्छा हुआ आज मैं नारियल तोड़ने चला गया, वरना कितना बड़ा नुकसान हो जाता। नवीन राम एक एक करके सभी ग्राहकों को नारियल देता है। नारियल लेकर सभी ग्राहक चले जाते हैं, केवल एक नारियल बच गया था। अब तो केवल एक नारियल ही बचा है, अब इसे बेचने के लिए कितनी देर रुकूं? घर ले जाता हूँ, बच्चों को दे दूंगा वो खा लेंगे। नवीन राम वो एक नारियल लेकर घर आता है। ललिता, आज एक नारियल बच गया है, इसे बच्चों को खिला देना। जैसे ही ललिता उस नारियल को खोलती है हैरान रह जाती है। सुनिए, इधर आइए और देखिए इसके अंदर क्या है। नवीन राम वहाँ आता है तो देखता है उस नारियल के अंदर नारियल की जगह सोना भरा हुआ है। ये देख दोनों हैरान रह जाते हैं। नवीन राम उस नारियल से सोना निकालता है। जैसे ही वो सोना निकाल देता है वो नारियल वापस सोना से भर जाता है। ललिता, ये तो जरूर कोई जादुई नारियल है। हाँ, लग तो यही रहा है। धीरे धीरे नवीन राम बहुत अमीर आदमी बन जाता है, बहुत ही बड़ा घर बना लेता है और गाड़ियाँ खरीद लेता है। नवीन राम अभी भी जो भी करता अपनी माँ से जरूर पूछता। ये सब देख ललिता को बहुत जलन होता था। एक दिन ललिता अपनी सास के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, तभी नवीन राम वहाँ जाता है और सब कुछ देख लेता है। ललिता, ये तुम क्या कर रही हो? नवीन राम की माँ कुछ कहना चाह रही थी मगर कह नहीं पाती है। तभी नवीन राम के बच्चे वहाँ आते हैं और सारी सच्चाई बता देते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं कुछ भी बुरा नहीं करूंगी, एकदम सुधर जाऊंगी, कृपया मुझे एक मौका दीजिए। जिस दिन मैंने तुम्हें कुछ गलत करते देख लिया, बस वही दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। ललिता बहुत डर जाती है और एकदम सुधर जाती है और अपनी सास से अच्छा बर्ताव करने लगती है और नवीन राम से किसी भी कभी भी बात के लिए झूठ नहीं बोला करती थी। पिंकी और शिवानी की माँ का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से किशोर उन दोनों बहनों को अपने साथ अपने घर ले आया था।
पर किशोर की बीवी सुमन को उन दोनों का वहाँ आना अच्छा नहीं लगा। माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? तू फिक्र क्यों करती है, मैं हूँ ना। रोना बंद करो मेरी बच्ची, अभी तुम्हारे मामा जिंदा हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं अपनी बहन की निशानी को इस तरह से परेशान होते हुए नहीं देख सकता। नहीं मामा जी, हम आपके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ हमारी माँ की यादें हैं। भावनाओं में बहकर फैसला मत करो, तुम दोनों का यहाँ अकेला रहना सही नहीं है, चलो मेरे साथ, चलो। किशोर उन्हें अपने साथ लेकर आ जाता है, दरवाजे की घंटी बजाता है और सुमन बाहर आती है। आ गए तुम, खुद तो आए ठीक है, पर इन दोनों लड़कियों को क्यों लेकर आए हो? मेरी बहन के जाने के बाद उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, अब ये मेरे साथ ही रहेंगे इस घर में। मेरा घर गैया धर्मशाला है, जो हर कोई यहाँ पर रहने के लिए आ जाएगा। तुम्हारी बहन जब तक जिंदा थी तो वो आती थी, चलो कोई बात नहीं, पर अब उसके जाने के बाद अब ये लड़कियाँ आ गई। मैं पूरा वक्त इन दोनों लड़कियों को नहीं झेल सकती, पता भी है महंगाई कितनी होती जा रही है। हमारा पूरा पड़ता नहीं है, इन दोनों लड़कियों के खर्च कौन उठाएगा? चुप हो जाओ भाग्यवान, मेरी बहन मेरी माँ के समान थी, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। अब उसके बाद इन दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी मेरी है। सुमन वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। पूजा और शिवानी को ये बातें अच्छी नहीं लगती, पर वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए दोनों चुपचाप अंदर जाकर रहने लगती है। पर जब उसके मामा वहाँ से चले जाते हैं तो सुमन उसके सामने गुस्से में आकर खड़ी होकर कहती है, मामा की मेहरबानी से तुम लोग इस घर में रह सकती हो, पर उसके लिए तुम्हें काम करना होगा, मुफ्त में खाना नहीं मिलेगा। काम करोगी तो खाना मिलेगा और रहने के लिए छत मिलेगी, नहीं तो तुम्हें घर से निकालने में मुझे जरा सी भी वक्त नहीं लगेगा। मामी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम आपका सारा काम कर देंगे, पर प्लीज हमें इस घर से मत निकालिएगा, हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। दोनों बहनें रोना शुरू कर देती है। सुमन उनको रोता हुआ छोड़कर वहीं से चली जाती है। किशोर को किसी कारण बाहर जाना पड़ता है और वो 2-3 दिन बाद वापस आने वाला था। सुमन को यही मौका चाहिए था। दोनों बहनों को इस घर से निकालने का इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा? मैं कुछ ऐसा दिमाग दौड़ाती हूँ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सुमन उन दोनों को बहुत परेशान करना शुरू कर देती है। वो उनको बात बात पर मारना और डांटना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से दोनों बहनें बहुत परेशान हो जाती है। एक बार सुमन उनको गोलगप्पे बनाने के लिए कहती है। पर मामी हमें तो गोलगप्पे बनाना नहीं आता। अगर नहीं बनाने आते तो मुझे नहीं पता, कहीं से भी लेकर आओ। पिंकी बाजार से सुमन के लिए गोलगप्पे लेकर आती है। सुमन प्लेट भरकर गोलगप्पे खाना शुरू कर देती है। दोनों बहनें उसका मुंह ताकती रह जाती है। शिवानी का गोलगप्पा खाने का बहुत मन करता है, पर वो सुमन से नहीं कह पाती। दीदी मेरा भी बहुत मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का। अगर मामी के पास से गोलगप्पा बचा तो वो तू खा लेना, अभी अगर मामी से मांगेंगे तो मामी बहुत गुस्सा होगी। जब 2 गोलगप्पे बचते हैं तो पिंकी सुमन के पास ले जाकर गोलगप्पे मांगती है। आप मुझे ये 2 गोलगप्पे दे दो, मेरी बहन को बहुत मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का। औकात देखी है अपनी? तुम्हारी औकात गोलगप्पे खाने की नहीं बल्कि बासी रोटी खाने की है। बासी रोटी रखी है वही खा लो। मेरी खाने की हर चीज पर तुम दोनों की ही नजर रहती है, इसलिए मेरा खाया पिया मेरा शरीर पर नहीं लग रहा, कितनी पतली हो गई हूँ मैं। शिवानी फिर भी एक गोलगप्पा उठाकर खा लेती है, जिसे देखकर सुमन को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों को बहुत मारती है। तेरी हिम्मत कैसी होगी मेरे आगे से गोलगप्पे उठाने की? हाँ आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। माफ कर दो मामी, आगे से शिवानी ऐसा नहीं करेगी। तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो, तुम दोनों ने मेरे घर रहने की बहुत बड़ी गलती की है। मैं वैसे भी तुम्हारी माँ को पसंद नहीं करती थी, तो तुमको भला कैसे पसंद कर सकती हूँ? पर मामा ही तो हमें लेकर आए थे। मामा अब यहाँ पर नहीं है, अब तो मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारी माँ के पास ही भेज दूंगी। तुम्हें अपनी माँ की बहुत याद आती है ना? फिर वो दोनों बहनें अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है और भाग कर एक नदी के पास रुकती है। तभी वहाँ एक विशाल गोलगप्पा प्रकट होता है। मैं एक विशाल गोलगप्पा हूँ, अगर तुम चाहो तो इसमें आकर रह सकती हो। मेरे अंदर से बहुत सारे गोलगप्पे निकलेंगे, जिन्हें बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो।
मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मामी ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। दोनों बहनें उस गोलगप्पा घर में रहने लगती है। उससे निकलने वाले गोलगप्पों से अपना व्यापार शुरू करती है। जब सुमन को इस बात का पता चलता है तो वो उस घर को तोड़ने वहाँ पहुँच जाती है। अरे बापरे, इतना बड़ा गोलगप्पा, इसको तो मैं फोड़ कर ही मानूंगी। ये टूट जाएगा तो दोनों बहनें बेघर हो जाएगी। सुमन जैसे ही उस गोलगप्पे को तोड़ती है तो गोलगप्पा अपने अंदर से मिर्च की बौछार कर देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत जलन होती है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। ये सब जब पिंकी देखती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि उनका बदला पूरा हो गया। ये देखो, शिवानी मामी कैसे भागी जा रही है। एक वक्त था जब उन्होंने गोलगप्पे के लिए हमें इतना मारा था, आज इस गोलगप्पे ने हमारा बदला पूरा कर दिया। इस विशाल गोलगप्पे घर ने हमेशा हमारी मदद की है, अब हमें भी इसकी सहायता से लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं समझी नहीं। जिस तरह से हम एक दिन गोलगप्पे के लिए तरस रहे थे और हमारे पास पैसे नहीं थे, उसी तरह से बहुत से गरीब लोग होते हैं। अब हम उन गरीब लोगों को मुफ्त में गोलगप्पे बांटेंगे। ये तो बहुत अच्छा होगा। शिवानी और पिंकी दोनों गोलगप्पे बेचने का काम शुरू करती है, जिसमें उनको बहुत फायदा होता है। शहर में सब उनके ही गोलगप्पे खाने आते हैं और वो गरीब लोगों में मुफ्त में गोलगप्पे बांटती थी, जिससे सभी लोग उनसे बहुत खुश होते थे। कोई कितने भी गोलगप्पे खाए, उसे कभी नुकसान नहीं होता था। वो खुशी खुशी अपना जीवन उस गोलगप्पा घर में बिताने लगी थी।